Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा से संबंधित श्रृंखला में आज हम सर सैयद अहमद खान के बारे में बातचीत करेंगे सर सैयद अहमद खान एक बहुत ही रोचक व्यक्तित्व के राजनेता थे एक रोचक व्यक्तित्व के चिंतक थे मैं रोचक शब्द पर इस बात इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इनके विचारों में काफी बदलाव आया और यह बदलाव अपने आप में रोचक इसलिए हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति जो एक समय में आ, हिंदू और मुसलमान दोनों को हिंदुस्तान रूपी शरीर के दो आँखों के रूप में देखते थे बाद में वही जाकर हिंदू और मुसलमानों के साथ होने पर ही प्रश्न खड़े करने लगे और उन्हें यह लगने लगा कि शायद हिंदुओं का प्रभुत्व तो भारत में बढ़ रहा है और यह मुसलमानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सैयद अहमद खान आ, के जो यह विचार हैं वो किस रूप में सामने आएँ और किस तरीके से इन्होंने अपने काम के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान दिया हमारी जो पूरी परिचर्चा है उसका स्वरूप इस तरीके से होगा सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय पर ध्यान देंगे यानी कि इनका जन्म कब हुआ और किस तरीके के काम इन्होंने किए और किस किन किन स्तरों से होकर इनका जीवन गुजरा दूसरे स्तर पर हम संस्थाओं की स्थापना में जो इन्होंने भूमिका निभाई उस पर बातचीत करेंगे आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने जो जोर जो दिया मुस्लिमों के लिए उस पर हम चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम इनके कुछ जो भाषण हैं उनके अंश के अंशों को आपके सामने रखते हुए इस बात पर जोर दे पाएं फिर स्त्री शिक्षा के बारे में जो उनके विचार थे उस पर हमारा ध्यान रहेगा एक उदारवादी राष्ट्रवादी के रूप में किस तरीके से उनके विचार सामने आए हम इस पर बातचीत करेंगे फिर उनकी विचारधारा किस स्तर तक सांप्रदायिक विचारधारा के विचारधारा के रूप में सामने आती है हम इसका विश्लेषण करेंगे और किस सीमा तक उनकी लोकप्रिय सरकार के प्रति अनास्था थी हम इस पर भी बातचीत करेंगे और अपनी बातचीत के आखिर में हम इनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय से ही शुरुआत करते हैं इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर सैयद अहमद खान एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में मौजूद हैं सर की उपाधि इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी ये हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की उनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई जिसमें शामिल बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को शिक्षित करने का काम किया यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके आसपास जो एक पूरी प्रक्रिया शुरू हुई शिक्षा को बढ़ाने की चेतना को बढ़ाने की उसे ही अलीगढ़ आंदोलन के रूप में भी जाना गया अलीगढ़ आंदोलन या अलीगढ़ क्रांति भी उसे कहा गया अब अगर हम इनके जीवन को थोड़े व्यवस्थित रूप में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात हमें यह या याद रखनी होगी कि सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सादात यानी कि सैयद खानदान में हुआ था इनके दादा ने कुछ समय तक मुगल शासक के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था इनका परिवार बहुत रूढ़िवादी नहीं था और इनके परिवार में विद्वता की परंपरा थी इनकी आरंभिक शिक्षा घर में इनकी माता द्वारा दी गई और बाद में इन्हें पारंपरिक स्कूल में भेजा गया इन्होंने उस समय की दिल्ली की आम बोलचाल की भाषा उर्दू के साथ ही साथ अरबी और फारसी का भी अध्ययन किया 20 साल की उम्र में इन्होंने अपने परिवार की परंपरा से अलग हटते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली बाईस वर्ष की अवस्था में पिता के मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और थोड़ी सी शिक्षा के बाद ही उन्हें आजीविका कमाने में लगना पड़ा हालांकि सर्वोच्च पर होने के बावजूद अपनी सारी जिंदगी इन्होंने फटेहाली में गुजारी राजा राम मोहन राय की तरह इन्होंने भी कंपनी में अंग्रेजों के साथ काम करते हुए अंग्रेजी सीखी रामचंद्र गुहा इन दोनों के बीच में थोड़ी साम्यता को भी रेखांकित करते हैं और वो ये बोलते हैं कि किस तरीके से दोनों ही विद्वान यानी कि राजा राम मोहन राय और सैयद अहमद खान अंग्रेजों के साथ जुड़े रहे वहाँ पर उन्होंने इनकी भाषा सीखी और किस तरीके से दोनों ने अपने अपने समूहों के लिए संप्रदायों के लिए धर्म अगर हम रिलीजन शब्द का इस्तेमाल करें तो उनके लिए काम किया राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में सुधार करने शिक्षा का प्रसार करने इन सब पहलुओं पर जोर दिया और सैयद अहमद खान ने भी एक व्यवस्थित तरीके से इस दिशा में काम किया हालांकि दोनों में आ, एक पीढ़ी का अंतर जरूर था तो जो Uh, सैयद अहमद खान थे उन्होंने पहले अंग्रेजों के साथ क्लर्क के रूप में काम किया इसके बाद विभिन्न शहरों में जज बनकर गए कंपनी में इनकी लगातार पदोन्नति हुई इन्होंने दिल्ली के पुरातात्विक इतिहास पर उर्दू में किताब लिखी एक अन्य पुस्तक में उन्होंने इस्लाम के आरंभिक वाद विवाद uh, का सैद्धांतिक परीक्षण किया खान ने अबुल फजल की आइन ए अकबरी का नवीन संस्करण uh, भी प्रकाशित करवाया अठारह के विद्रोह के समय ये बि, ये बिजनौर में नियुक्त थे इन्होंने अंग्रेजों की मदद से आ, मदद की और कई अंग्रेज परिवारों को की सुरक्षा को सुनिश्चित किया बाद में उन्हें इस बात की भी चिंता हुई कि इससे मुस्लिमों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये जो एक व्यक्तित्व इनका सामने आता है आ, कि भारत का जिसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना गया उसमें सैयद अहमद खान शामिल नहीं हुए सिर्फ यही नहीं उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की हालांकि कई अंग्रेज परिवारों को की, की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम मानवीय भी माना जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से आ, ये अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे इसमें भी हमें संदेह नहीं रखना चाहिए और इनको बाद में चिंता इस बात की हुई कि इन सब ये जो सारे घटनाक्रम हुए हैं और चूंकि उसमें बहादुर शाह जफ़र का की एक भूमिका रही है तो इसका मुसलमानों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखकर यह साबित करने की कोशिश की कि इस षडयंत्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल थे और ज्यादातर मुस्लिम अंग्रेजों के वफादार बने रहे यानी कि अठारह की जब बगावत जिसे बाद में सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा वह सिर्फ मुस्लिमों के दिमाग की उपज नहीं थी बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसमें शामिल थे यह साबित करने की कोशिश सैयद अहमद खान ने की इसके साथ ही इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारकों और ज्यादा भारतीयों को शासन में सम्मिलित न करने को भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार माना तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने यह कोशिश की कि एक तरीके से जो मुस्लिमों के ऊपर पूरा का पूरा एक दबाव आ रहा था या उनको दोषी माना जा रहा था कि उनके कारण से 1857 का विद्रोह हुआ वो उससे मुस्लिमों को बचाएं तो उन्होंने पहली बात तो यही कही कि हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे और दूसरी बात उन्होंने यह कहे कि असल में अंग्रेजों की कुछ नीतियां और ईसाई मिशनरियों की जो भूमिका थी उसने भी भारतीय लोगों के भीतर रोष पैदा किया 1857 की महाक्रांति और उसकी असफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपनी आंखों से देखा यह सच है कि उन्होंने गैर फौजी अंग्रेजों को अपने घर में पनाह दी लेकिन वे उनके समर्थक बिल्कुल नहीं थे हालांकि यह अपने आप में एक खुला हुआ प्रश्न जरूर है आ, कम से कम इतना तो साफ है कि वो आ, जो बागी लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था उनके साथ नहीं थे खुद खुद लेकिन यह भी सच है कि खुद उनका घर तबाह हो गया और उनके निकट संबंधियों का कत्ल हुआ इस बेचैनी से परेशान होकर वह भारत छोड़ने और वे मिस्र में बसने का फैसला कर चुके थे अंग्रेजों ने उनको अपनी ओर करने के लिए मीर सादिक और मीर रुस्तम अली को उनके पास भेजा और उन्हें तालुका जहानाबाद देने का लालच किया यह ऐसा मौका था कि वे इनके जाल में फंस सकते थे वे धनाढ़ की जिंदगी बसर कर सकते थे लेकिन वे बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे उन्होंने उस वक्त लालच को बुरी बला समझ ठुकरा दिया और राष्ट्रभक्ति को अपनाना बेहतर समझा बाद में उन्होंने यह महसूस किया कि अगर भारत के मुसलमानों को इस कोठरी से नहीं निकाला गया तो एक दिन हमारी कौम यानी कि मुसलमान कौम तबाह हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी ऐसा वो मानते थे और वह कभी उठ नहीं सकेगी इसलिए उन्होंने मिस्र जाने का अपना इरादा बदल दिया और कल्याण व अस्तित्व की मसाल लेकर अपनी कौम और मुल्क की तरफ बढ़ने लगे सैयद अहमद खान को यह अंदाजा हो गया था कि अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेज जो हैं वो मुस्लिमों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं उन्हें यह भी आशंका थी कि अंग्रेज मुस्लिमों को बिल्कुल ही हाशियाकृत करना चाहते हैं और भले ही वो कुछ मुस्लिम अधिकारियों को बहला फसला कर अपना साथ अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हो जैसा कि उनके साथ भी कोशिश की गई लेकिन सैयद अहमद खान को यह अंदाजा हुआ कि मोटे तौर पर जो अंग्रेजों की नीति है वो मुस्लिमों के खिलाफ जा रही है तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को समझा कि अंग्रेजों में अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित हो चुका है अब इस, इस स्थिति में अगर उन्हें अपनी कौम यानी मुस्लिमों की स्थिति को बेहतर करना है तो उन्हें कुछ खास रणनीतियों को अपनाना पड़ेगा हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी और इस बात को हम बार बार देखेंगे भी कि जो सैयद अहमद खान थे उनकी मुख्य चिंता अपनी कौम के भीतर सुधार करना जागृति लाना ये बातें थी और वो कई बार दूसरे धर्म के लोगों से संवाद करने की भी बात करते थे लेकिन उनकी मुख्य चिंता मुसलमान धर्म से संबंधित ही थी, थी लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि यह बात कुछ हद तक राजा राम मोहन राय के बारे में भी सही है और पूरी तरीके से दयानंद सरस्वती के बारे में भी सही है काफी हद तक महर्षि अरविंद के बारे में भी सही है कि इनकी मुख्य चिंता जो थी वो हालांकि वो पूरी तरीके से एक आध्यात्मिकता की बात और उदात भावना की बात कहते हुए अपनी बातों को रखते हैं लेकिन ये सभी चिंतक जो थे इसे हमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक विशिष्टता के रूप में देखना होगा कि आरंभिक दौर में जो चिंतक उभर कर सामने आए उन्होंने अपने चिंतन का दायरा जो है वो इस रूप में प्रस्तुत किया जिससे वो जिस समुदाय जिस समूह जिस धर्म को मानने वाले हैं उसके लोगों का भला हो सके वहां जागृति आ सके वहाँ के लोग पोंगा पंथ से बाहर निकल सके रूढ़ियों से बाहर निकल सके तो हमें सैयद अहमद खान को भी उसी खांचे में अवस्थित करने उसी संदर्भ में अवस्थित करने की जरूरत है कई बार यह होता है कि हम सैयद अहमद खान जैसे चिंतकों को बहुत आसानी से एक खास तरीके के चश्मे से देखने लगते हैं जिसमें हमारी शुरुआत ही इस बात से होती है कि अच्छा वो तो एक सांप्रदायिक चिंतक थे लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें यह याद रखने की जरूरत है कि उस दौर के जितने चिंतक थे उनके ऊपर यह जो लेबल है वो लगाया जा सकता है बहरहाल हम अपनी चर्चा पर फिर से वापस आते हैं तो जो अठारह की बगावत हुई उसके बाद सैयद अहमद खान ने इस स्थिति को समझा कि जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है उसमें उन्हें इस तरीके से काम करने की जरूरत है जिससे उनकी अपनी कॉम का भला हो पाए इसलिए अपने बेहतरीन लेखों के माध्यम से कॉम में शिक्षा व संस्कृति की भावना जगाने की उन्होंने लगातार कोशिश की ताकि शैक्षिक मैदान में कोई उनकी कौम पर हावी ना हो सके मुसलमान उन्हें कुफ्र होने का फतवा देते रहे लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी ऐसे लोगों से जो रूढ़िवादी तबके थे उनसे उन्होंने एक बिगाड़ की भावना नहीं रखी एक दुश्मनी मोल नहीं ली बल्कि वो लगातार एक संवाद के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे कि मुस्लिमों की भलाई का रास्ता किस दिशा की ओर है उन्हें किस तरह के मॉडल को अपनाने की जरूरत है तो निश्चित रूप से अः यहाँ भी हम यह देख सकते हैं कि जो कई अन्य हिंदू समाज सुधारक हुए उन्हें जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसी तरह की कठिनाइयों का सामना सर सैयद अहमद खान को भी लगातार करना पड़ा और उन्हें अपने धर्म के जो रूढ़िवादी तत्व थे उनका मुकाबला करना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा जिस तरह के सुधारों की बात की जा रही थी उसे मुस्लिम धर्म में या मुस्लिम समाज के जो रूढ़िवादी तबके थे उनके द्वारा धर्म विरुद्ध माना जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि सैयद अहमद खान जो हैं वो मुस्लिमों की धार्मिक परंपरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं सैयद अहमद खान अच्छी तरह से जानते थे इस बात को और इसलिए वो उनकी परवाह भी नहीं करते थे इस तरह की आलोचनाओं की और उनकी कोशिश थी कि वे अपनी मंजिल की तरफ पहुँचें और मंजिल उन्होंने यही तय किया रखा था कि जो आधुनिक शिक्षा है उसे मुस्लिम समुदाय के युवा हासिल करें दूसरी चीज़ वो ये चाहते थे कि जो अंग्रेजी राज्य है उसमें मुसलमानों की जो स्थिति है वो बेहतर हो ऐसा ना हो कि अंग्रेज उन्हें लगातार अपना दुश्मन मानते बहरहाल उनकी मृत्यु अंठानवे में हो गई उनकी कुछ प्रमुख कृतियों का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा उनकी एक पुस्तक अतहर असनादीद प्रकाशित हुई थी अठारह में पैगंबर मुहम्मद साहब के जीवन पर लेख जिसका उनके पुत्र के द्वारा ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया साथ ही उनके बाइबल तथा कुरान पर उर्दू भाषाएं में टिकाएं भी लिखी गई उनके द्वारा असबाब बगावते हिंद उनकी है। नादीद दिल्ली की दो इमारतों का शोधपरक ऐतिहासिक परिचय है गारसा दतासी ने इसका फ्रांसीसी अनुवाद किया जो अठारह में प्रकाशित हुआ जो सैयद अहमद खान थे उन्होंने उर्दू में लेखन को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया एक तरीके से वो उर्दू भाषा के संरक्षक थे हालांकि यह एक अलग वाद विवाद का विषय है कि हिंदी और उर्दू के विकास को कैसे देखा जाए लेकिन इस समय के समाज सुधारकों ने आ, एक तरफ जो हिंदू समाज सुधारक थे आ, जैसे दयानंद सरस्वती उन्होंने हिंदी को एक भाषा के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिश की हालांकि वो खुद हिंदी प्रदेश के नहीं थे उसी तरीके से सैयद अहमद खान ने यह प्रयास किया कि जो मुस्लिम युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में अपने काम को करें और उन्होंने बहुत तरह की संस्थाओं की स्थापना भी की अठारह में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की अठारह में गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना सैयद अहमद खान ने की उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जिसने कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया उर्दू तथा अंग्रेजी में द्विभाषी पत्रिका उन्होंने निकाली 1860 के दशक के अंतिम वर्षों का घटनाक्रम उनकी गतिविधियों का रुख बदलने वाला सिद्ध हुआ उन्हें में हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के केंद्र गंगा तट पर स्थित बनारस में स्थानांतरित कर दिया गया आ, अंग्रेजों के द्वारा लगभग इसी दौरान मुसलमानों द्वारा पोषित भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी को लाने का आंदोलन शुरू हुआ इस आंदोलन तथा साइंटिफिक सोसाइटी के प्रकाशनों में उर्दू के स्थान पर हिंदी लाने के प्रयासों से शायद को विश्वास हुआ कि हिंदू और मुसलमानों का के रास्तों को अलग होना ही है उन्होंने इंग्लैंड की अपनी यात्रा की अठारह सौ के दौरान मुस्लिम कैम्ब्रिज जैसी महान शिक्षा संस्थाओं की उन्होंने योजना तैयार की यानी कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो यात्रा की उसमें उन्हें यह लगा कि इसी तरीके के विश्वविद्यालय पश्चिमी मॉडल का विश्वविद्यालय जहां पर बहुत गहन तरीके से शिक्षा दी जाती हो वैसे विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिमों के लिए भी होनी चाहिए तो एक एक मुस्लिम कैम्ब्रिज के 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 विचार के साथ वो वापस आए उन्होंने भारत लौटने पर इस उद्देश्य लिए समिति बनाई और मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिए प्रभावशाली पत्रिका तहदीब अल अखलाक यानी सामाजिक सुधार का प्रकाशन आरंभ किया उन्होंने अठारह में ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया इसका वार्षिक सम्मेलन मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते थे मई 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मदर सतुल उलूम एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना की इस नाम से यानी कि मदर सत्तू सतुल अठारह सो में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इसे कॉलेज में बदलने की बुनियाद रखी उनकी परियोजनाओं के प्रति रूढ़िवादियों का विरोध जारी था जैसा कि मैंने पहले बताया लेकिन इसके बावजूद उनके कॉलेज ने तेजी से प्रगति की और 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया और वर्तमान समय में भी यह हमारे देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जिस चीज पर इन्होंने बल दिया वह था आधुनिक वह थी आधुनिक शिक्षा और उसके बारे में जिस तरीके से इनकी बातें सामने आई उसके संदर्भ में अभी हम अपनी बातचीत में विचार करेंगे अठारह में वायसराय लॉर्ड रिपन ने ब्रिटिश भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे सैयद अहमद खान ने आयोग के सामने प्रस्तुत होकर मुस्लिमों के शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव दिया आयोग के सामने उन्होंने यह कहा कि अब देश में देशज भाषा या वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाने वाली शिक्षा की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है और देश में अंग्रेजी शिक्षा को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए उन्होंने इसे एक व्यवहारिक आवश्यकता के रूप में सामने रखा आ, मैं आपका ध्यान ईश्वर दिलाना चाहता हूँ कि इसी तरह की बात राजा राममोहन राय ने भी कही थी जब वो आ, अंग्रेज अधिकारियों से एक तरीके से पत्राचार के दौर में थे तो तो ये और उन्होंने अपनी बात 1830 के दशक में कही थी और 1880 के दशक में यही बात सैयद अहमद खान दोहरा रहे थे कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए वर्नकुलर लैंग्वेज में शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने कहा कि देश में अंग्रेजी शिक्षा को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए उन्होंने इसे एक व्यवहारिक आवश्यकता के रूप में सामने रखा व्यवहारिक आवश्यकता से यहाँ तात्पर्य यह है कि वो उनको यह एहसास होने लगा था कि लोग जो हैं वो अपना जीवन व्यवहारिक स्तर पर अंग्रेजी के बगैर नहीं चला सकते हैं अगर किसी को अपने दुकान से कोई सामान बेचना है या किसी को कुछ खरीदना है कोई दवाई खरीदनी है पश्चिमी मॉडल की तो वो चीजें वो बगैर अंग्रेजी जाने नहीं कर सकते हैं तो इससे बचने से ज्यादा बेहतर है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगा कि इसी दौर में बहुत से और दूसरे लेखक थे जिन्होंने की पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी की तरफ अपना ध्यान दिया दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद उनका संगठन जो था वो दो भागों में बट गया था और उसका एक हिस्सा जो था उसने लगातार इस बात पर जोर दिया कि पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए उसी तरीके से जो ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले थे उन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी के महत्व को रेखांकित किया था तो एक आकर्षण अंग्रेजी की तरफ था कुछ लोग जरूर थे जो कि देश भाषाओं की भी बात कर रहे थे लेकिन कुल मिलाकर जो सैयद अहमद खान थे वो ये चाहते थे कि भारतीयों को विशेष रूप से मुस्लिमों के बारे में उनकी चिंता थी कि उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए उन्होंने यह कहा कि सभी भारतीय समुदायों में से मुसलमानों में ऐसी सुविधाएं ऐसी सुविधाओं से मुसलमान वंचित रहे हैं जो यूरोपीय विज्ञान और साहित्य से संबंधित होती हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत से मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय विज्ञान और साहित्य को पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं हालांकि कुछ लोग अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने आयोग से यह भी कहा कि मुस्लिमों के भीतर से ही ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा जो उनके बीच अंग्रेजी शिक्षा के फायदों को घिनाए और उसके प्रसार में मदद करें इस संदर्भ में उन्होंने अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का उदाहरण दिया जहां अच्छे परिवारों से आने वाले 200 मुस्लिम विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे उनके अनुसार अः ये विद्यार्थी अपने धर्म भाषा और साहित्य के साथ साथ यूरोपीय विज्ञान और साहित्य का भी अध्ययन कर रहे हैं यह इस बात का प्रमाण है कि अब हर स्थान के मुसलमान धीरे धीरे अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर खुद को आधुनिक चिंतन और जीवन की स्थितियों से जोड़ रहे हैं सैयद अहमद खान ने 1884 में लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता के अपने संबोधन में आधुनिक पाठ्यक्रम अपनाने पर जोर दिया वे चाहते थे कि मुस्लिम युवा भी पश्चिम के साहित्य को पढ़ें वहां जो नए नए तरह के राजनीतिक अर्थशास्त्र के मॉडल आ रहे हैं नए नए तरह के विचार आ रहे हैं उसको समझें कुल मिलाकर उन्होंने मुस्लिम युवकों के सामने यह मॉडल रखा कि वे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करें अपनी परंपराओं को भी जानें किंतु नवीन आधुनिक ज्ञान से खुद को जोड़ें यह जो विचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मुस्लिम युवाओं से जब वो मुखातिब हैं जब वो लगातार नए तरह के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं तो कहीं से भी वो यह नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम युवा अपनी परंपराओं को छोड़ दें और पूरी तरीके से पश्चिमीकृत हो जाएं। इसके बजाय जो सर सैयद अहमद खान हैं उनका जोर इस बात पर है कि वो पश्च जो युवा हैं मुस्लिम युवा हैं वो पश्चिम के ज्ञान को जाने वहाँ जो विज्ञान की बातें आ रही हैं जो अर्थशास्त्र की नई बातें आ रही हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई नवीन बातें नवीन तरह के सिद्धांत नवीन तरह का साहित्य आ रहा है वो उसको पढ़ें लेकिन इसके साथ ही साथ वे अपनी परंपरा को भी जाने अपनी परंपरा से जुड़ी हुई बातें अपने धर्म से जुड़ी हुई बातें उसको नकारें नहीं तो जो रूढ़िवादियों का आरोप था कि एक तरीके से सैयद अहमद खान एक ऐसे मॉडल की वकालत कर रहे हैं जिससे मुस्लिम धर्म को काफ़ी नुकसान हो सकता है युवा परंपराओं से संस्कृति से दूर जा सकते हैं उसको जवाब देने की कोशिश की सर सैद सर सैयद अहमद खान ने अपने अलग अलग संबोधनों में और उनका मॉडल यही था कि पश्चिम की तरफ बढ़ो लेकिन अपनी परंपरा से भी जुड़े रहो लेकिन यह बात जरूर है कि वो जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं को मुस्लिम लड़कों को आधुनिक शिक्षा दिलाना चाहते थे वैसी शिक्षा वे लड़कियों को देने के पक्ष में नहीं थे लड़कों के लिए पश्चिमी उच्च शिक्षा की हिमायत करने वाले सर सैयद अहमद खान लड़कियों को ऐसी तालीम देने के विरोधी थे धर्म के तथा कथित जानकारी और पर्दे को वो लड़कियों का गहना समझते थे इस तरह की तालीम देने के लिए जनाना मकदब की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूर किए जाने पर सर सैयद ने किसी तरह का ऐतराज जाहिर नहीं किया था यानी कि उन्हें यह लगता था कि लड़कियों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें पर्दे में रहकर अगर वो इस तरह की तालीम हासिल करती हैं तो यह कोई गलत बात नहीं है तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम समाज से दो कदम आगे थे जो यह मानता था कि लड़कियों को शिक्षा देने की कोई खास जरूरत नहीं है और वो ये मानते थे कि लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए लेकिन वो उन्हें धार्मिक शिक्षा देने के पक्ष में थे उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के जिन तरीकों की चर्चा की है उसका रिवाज उनके खानदान में भी था उन्हें ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी जो औरतों के लिए जरूरी हैं औरतों और उनकी निगरानी भी की जाती थी तो ये औरतों के लिए जरूरी शब्द अपने आप में थोड़ा विवादास्पद भी लग सकता है क्योंकि वो सीधे तौर पर यह मान कर चल रहे थे कि कुछ ऐसे शिक्षा के आयाम हैं जो पुरुषों के से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के दूसरे कई ऐसे आयाम हैं जो स्त्रियों से लड़कियों से जुड़े हुए हैं तो वो जरूरी शिक्षा को महिलाओं को देना चाहते थे और हमेशा ही ऐसी शिक्षा के वक्त महिलाओं की निगरानी भी की जाती थी सर सैयद जुमे के दिन का जिक्र दिलचस्पी के साथ करते हैं जब लड़कियां मिलकर अलग अलग तरह के पकवान बनाती थीं, इसमें कभी-कभी भाइयों को बुलाकर खाना अधिवेशन लाहौर में हुआ था लड़कियों की कुल तालीम दिनियात या धर्म शिक्षा और अपनी तरह से सभ्य बनाए जाने की परंपरा पर आधारित थी कहा जा सकता है कि बुनियादी तौर पर उन्हें अच्छी बीवी बनने का पाठ पढ़ाया जाता था महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़कियों की तालीम के ये तरीके मुसलमानों के उच्च वर्ग के लिए थे पसमानदा और पिछड़ों की तालीम के किसी तरीके का जिक्र सर सैद ने नहीं किया जिन्हें वो बद जात और जुलाहा कहा करते थे वो लड़कियों को ऐसी तालीम देना चाहते थे जिससे मर्द आसानी से उन पर हुकूमत कर सकें कहने का अर्थ अगर हम सरल शब्दों में कहें कहने का अर्थ लगाएं तो सीधी सी बात यह है कि सर सैयद अहमद खान जिस तरह के आधुनिकता के पैरोकार मुस्लिम युवाओं के लिए सामने आते हैं उस रूप में वो मुस्लिम औरतों के लिए सामने नहीं आते हैं वो चाहते हैं कि लड़कियां शिक्षा हासिल करें पर वो शिक्षा हासिल करने का जो पूरा दायरा है वह उन्हें घर के भीतर एक अच्छी बीवी बनने या अच्छी माँ बनने की ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है कभी भी वो जो दायरा है उनके भीतर अपनी स्वायत्त सोच विकसित करने से संबंधित नहीं है वो यह नहीं चाहते हैं कि वो पश्चिम के विचारों को जाने वो यह नहीं चाहते हैं कि जो नई नई तरह की तकनीक या विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है वो स्त्रियों तक या लड़कियों तक पहुंचे तो ये जो पूरी रूपरेखा है उसमें हम साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि एक तरफ वो लड़कों को रखते हैं और दूसरी तरफ लड़कियों को लड़कों से उनकी उम्मीदें ज्यादा है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उन्हें जरूर ही पश्चिमी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे मुस्लिम समाज का भला हो सकता है और लड़कियों से उनकी उम्मीद काफी कम है उनकी उम्मीद बस यही है कि इन्हें एक ऐसी शिक्षा मिल जाए जिससे ये पारंपरिक रूप से जो एक बीवी का या एक माँ का धर्म या कर्तव्य होता है उसको निभा पाए तो एक तरीके से बार बार इसको सैयद अहमद खान के वैचारिक सीमा के रूप में भी दर्शाया जाता है और अगर हम ये ध्यान दें कि उस समय जो कई तरह की जो नारीवादी विचारक सामने आ रही थी मिसाल के तौर पर हम सावित्री बाई फुले का जिक्र कर सकते हैं जो कि महिलाओं की शिक्षा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी तो उसमें कई कदम हम उन्हें आगे पा सकते हैं जिस तरह की सोच सहद अहमद खान रख रहे थे क्योंकि उस तरह की शिक्षा सिर्फ माँ बनने या फिर अच्छी पत्नी बनने से संबंधित नहीं थी बल्कि उसमें महिलाओं के भीतर एक सोच और समझ के निर्माण करने की कोशिश भी की गई थी तो हम यह कह सकते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के, के मामले में, स्त्रियों और पुरुषों की भूमिका के मामले में और विशेष रूप से स्त्रियों की निम्नतर या एक सीमित भूमिका के बारे में सैयद अहमद खान के विचार जो हैं वो सामने आते हैं और वो काफी एक तरीके से पुरातनपंथी विचार जैसे लगते हैं आ, सर सयम, आ, सर सैयद यह कहते हैं कि औरतों की तालीम नेक अखलाक नेक खसलत अच्छी आदत खानादारी के उमूर घर के काम बुजुर्गों का अदब पति की मोहब्बत बच्चों की परवरिश धर्म का जानना होनी चाहिए इसका मैं हामी हूँ इसके सिवा और किसी तालीम से बेजार हूँ या उन्होंने अपनी किताब खुतबात ए सर सैद में यह बात यह लिखी है और यह एक साफ़ तौर पर उस मॉडल की तरफ इशारा करती है जो सर सैयद स्त्रियों की शिक्षा के संदर्भ में रखते हैं सर सैयद अपने तमाम ख्याल में खुलकर लड़कियों की तालीम की मुखालफत करते नज़र आते हैं उनकी नज़र में औरतों को ऐसी तालीम की ज़रूरत कतई नहीं थी जिनसे उन्हें अपने इंसान होने का ज़रा सा भी एहसास हो या कम से कम एक स्वायत्त इंसान होने का एहसास हो जिसकी ज़िंदगी पति बच्चों और परिवार से अलग भी कुछ हो सकती है सर सैद दरअसल लड़कियों की तालीम के जरिए लड़कियों की तालीम का गायबाना इंतज़ाम कर रहे थे यानी कि एक ऐसे जहाँ पर उनका अपना अपनी जो एजेंसी है अपनी जो एक उनका व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाए वे कहते हैं कि हमारा मनसा यही है कि ये तालीम जो हम दिला रहे हैं लड़कों की नहीं है बल्कि लड़कियों की है जिन्हें के वो बाप होंगे जब मर्द लायक हो जाते हैं औरतें भी लायक हो जाती हैं जब तक मर्द लायक ना हो औरतें भी लायक नहीं हो सकती हैं यही सबब है कि हम कुछ औरतों के तालीम का ख्याल नहीं करते हैं यानी कि उनका यह भरोसा था कि अगर घर में पिता या पति पढ़े लिखे हैं तो घर के भीतर की जो औरतें हैं वह भी एक तरीके से अपने बात कर्तव्यों को या अपने शिक्षा से संबंधित जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकती हैं। तो यह उनकी एक विचार को दिखाता है जहाँ पर वो स्त्रियों को की भूमिका को काफी सीमित रूप में प्रस्तुत करते हैं सर सैयद अहमद खान की वैचारिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उदार राष्ट्रवादी के रूप में उनकी भूमिका भी के रूप में भी सामने आता है सैयद अहमद खान के जीवन का एक की एक बड़ी घटना अठारह का विद्रोह था और उसके बाद वो जिस तरीके से मुस्लिमों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे उसके आरंभिक दौर में उन्होंने खुद को एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया उदार राष्ट्रवादी कहने का अर्थ हमें समझने की जरूरत है और उसके बाद एक सांप्रदायिक राष्ट्रवादी का भी अर्थ हम समझ सकते हैं उदार राष्ट्रवादी का मतलब या उदार सांप्रदायिक भी एक शब्द बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उदार से यहाँ पर मतलब यह था कि वह अपने मजहब के लोगों की भलाई को वरीयता दे रहे थे उसके लिए काम कर रहे थे लेकिन वो यह मान कर चल रहे थे कि एक सह अस्तित्व या को एग्जिस्टेंस हो सकता है बाकी मजहब के लोगों के साथ भी लेकिन जब वो सांप्रदायिक विचारधारा की तरफ मुड़ते हैं वो या कोई और दूसरा भी चिंतक तो उसके विचारों में यह बात आ जाती है कि इस तरीके का कोई सह अस्तित्व जो है या जो जो मेल मिलाप की भावना है वो नहीं रह सकती है यानी कि जो दो समुदाय हैं वो आपस में शत्रु हैं या उनके हित तीखे रूप में आपस में टकराते हैं तो जो पहला दौर था सर सैयद अहमद खान का वहां पर वो निश्चित रूप से एक ऐसे चिंतक एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आते हैं जो अपनी मजहब की भलाई के लिए काम कर रहे थे लेकिन यह काम करते हुए वो बार बार इस बात पर बल देते हैं कि हिंदुओं और मुस्लिमों के हित जो हैं वो कई मामलों में साझे हैं और उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं इस संदर्भ में मैं आपके सामने उनकी एक संबोधन का अंश भी उद्धृत करूंगा तो सबसे पहली बात तो यही है कि मुस्लिम समाज के अग्रणी नेताओं में से एक तथा मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान आरंभ में एक राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे किंतु कालांतर में वे सांप्रदायिक होते चले गए आरंभ में जस्टिस रानाडे दादा भाई नौरोजी, तथा गोपाल कृष्ण गोखले की तरह सर सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण भी एक उदार राष्ट्रवादी का रहा विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के विषय में उनके भी विचार वैसे ही थे जैसे कि भारतीय उदारवाद के सूत्रधारों के यानी कि इस तरह का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया जनवरी अठारह में सैयद अहमद खान पटना में एक ने पटना में एक भाषण दिया इसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम भारत के दो प्रमुख राष्ट्र हैं अब यहाँ पर राष्ट्र शब्द का उपयोग क्या वो बहुत जागरूक रूप में कर रहे हैं या दो समुदायों के रूप में कर रहे हैं यह वाद विवाद का विषय हो सकता है लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जो नेशन वर्ड है वो बार बार उनके लेखन में सामने आता है कि वो दो प्रमुख नेशन के रूप में हिंदू और मुसलमान को रख रहे हैं हालांकि आगे जाकर इसके और खतरनाक अर्थ सामने आते हैं लेकिन मैं इस बात को यहाँ आपके सामने रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि अपने उदारवादी दौर में भी सर सैयद अहमद खान हिंदुओं और मुस्लिमों को दो राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वे कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भारत के दो प्रमुख राष्ट्र हैं जिस तरह एक आदमी के शरीर में कुछ प्रमुख अंग होते हैं उसी तरह यह दोनों भारत के प्रमुख अंग हैं हिंदू और मुस्लिम होना आंतरिक आस्था का प्रश्न है लेकिन इससे इनके पारस्परिक संबंध और बाहरी स्थितियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यानी कि आ, कोई हिंदू हो सकता है कोई मुस्लिम हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये उनके बुनियादी संबंधों को प्रभावित भी करे सैयद अहमद खान कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अलग अलग समय पर भारत में बाहर से आए हैं और अभी भी दोनों ही समुदाय इस देश में रहते हैं यह देश दोनों का ही घर है हिंदुओं ने मुस्लिमों की बहुत से प्रथाओं को अपना लिया है और मुस्लिमों ने हिंदुओं के बहुत से अप्रथाओं को ग्रहण कर लिया है तो ये जो एक बात है वो कई सारे लोगों को नागवार गुजर सकती है खासतौर पे जो हिंदू धर्म को इस देश के मूल निवासी में सम्मिलित करते हैं कि सैयद अहमद खान इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों ही बाहर से आए हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है एक उदारवादी राष्ट्रवादी के द्वारा आ, जो कही गई के रूप में जो सैयद अहमद खान ने रेखांकित की वह यह कि दोनों बाहर से आए दोनों ने दोनों एक साथ रहें दोनों ने एक दूसरे की कुछ कुछ प्रथाओं को कुछ कुछ जो उनके रिवाज थे उनको अपनाया और इस लिहाज से दोनों कुछ कुछ बदले भी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जो दो, दोनों समुदाय हैं वो एक इस सीमा तक एक दूसरे से मिल गए हैं कि उन्होंने एक नई भाषा उर्दू को जन्म दे दिया यानी कि वह मानते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के लोकाचार में जो मिलना जुलना हुआ उसके कारण उर्दू का जन्म हुआ उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर एक राष्ट्र इंडिया या भारत का निर्माण करते हैं तो ये इस बात को ज्यादा साफ तौर पर कहता है कि हालांकि वो हिंदू और मुस्लिम को दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इन दोनों ने मिलकर एक राष्ट्र के रूप में भारत या इंडिया का निर्माण किया है और दोनों मिलकर इस देश की प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत एक सुंदर दुल्हन है तथा हिंदू और मुसलमान इसकी दो आंखें हैं निश्चित तौर पर ये इनके जो विचार हैं काफी उदार हैं वो हिंदू और मुसलमानों के सह अस्तित्व के विचार को स्वीकार करते हैं और उन्होंने ये कहा कि आ, हिंदू और मुस्लिमों की एकता जरूरी है उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू और मुस्लिम दो भाइयों की तरह हैं और वो कभी कभार लड़ सकते हैं पर आखिर में उन्हें एक साथ ही रहना है और ये जो सैयद के विचार थे वह निश्चित रूप से एक आशा की किरण पैदा करने वाले थे उन लोगों के लिए जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता की बात करते थे इसके अलावा एक और उनकी भाषण का मैं अंश आपके सामने उद्धृत करूंगा जहां पर 4 जनवरी अठारह में जालंधर में हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे उन्होंने यह कहा था और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूँ शताब्दियां बीत गई जलवायु में इसके उत्पादन में समान भागीदार बने और इसके लिए एक साथ मरे दो सगे भाइयों की तरह रहें। वह इस देश के चेहरे की दो सुंदर आंखें हैं मैं चाहता हूं कि धर्म तथा समुदाय की विभिन्नताओं को भूलकर सभी को एक साथ संगठित हो जाना चाहिए हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं किंतु हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अलग नहीं हो सकता है इस लिहाज से जो सरसैय सर सैयद के ये जो उद्बोधन है वो राष्ट्रीय विचारधारा से अनुप्रेरित हैं उनकी यह अभिलाषा थी कि दोनों जातियों या दोनों धर्मों का एक दृढ़ संगठन बन जाए जिससे राष्ट्र स्वयं उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाए हालांकि आगे चलकर कुछ ऐसे बदलाव हुए जिनसे उनके राष्ट्रवादी होने का भ्रम जो है वो काफी कमजोर हुआ लेकिन हम एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में उनके विचारों को देखते हुए अगर एक मूल्यांकन प्रस्तुत करें तो हम यह कह सकते हैं कि वो एक ऐसे उदार राष्ट्रवादी के रूप में सामने आते हैं जो कि अपने मजहब के लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि उनके मजहब के युवा आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ें सीमाएं थी जैसा कि स्त्रियों की शिक्षा के संदर्भ में हमने दिखाया लेकिन उसके साथ साथ वो यह भी मानते थे कि हिंदुओं और मुस्लिमों का सह अस्तित्व हो सकता है उनके सह अस्तित्व के विचार के वो हिमायती थे और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने भारत की तुलना एक ऐसे दुल्हन की तरह की जिसकी दो आंखें हैं एक हिंदू और एक मुस्लिम के रूप में है तो ये सारे विचार उनके उदार राष्ट्रवादी होने की धारणा को पुख्ता करते हैं मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारे जो हिंदू धर्म सुधारक थे वह भी अपने जीवन के किसी भी कालखंड में इस सीमा तक उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं बन पाए मेरा सिर्फ इरादा आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाने की ओर है कि जिस सीमा तक सैयद अहमद खान एक उदार राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं उस सीमा तक उसका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए हालांकि जैसे मैंने पहले कहा और जैसे कि हम आगे चर्चा करेंगे उनके विचार बाद के दौर में काफी गंभीर रूप से बदल गए और वो सांप्रदायिक विचारधारा की तरफ आगे बढ़ गए सांप्रदायिक विचारधारा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो उसमें अठारह के बाद जो सरसैम सर सैद बदले उस पर हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए वो इतने ज्यादा बदल गए कि ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अठारह में संबोधन कर रहा था वो कोई और है और जो अठारह में बात कर रहा है वह कुछ और है कुछ विद्वानों का यह मत है कि उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडोर बैक ने सर सैयद के विचारों को प्रभावित किया इस दौर में कांग्रेस का विरोध करने तथा कहने लगी कि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग नेशंस राष्ट्र या कई बार उसको नेतिया उन्होंने कहा वो हैं और जो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते एक महत्वपूर्ण घटना पर हमें ध्यान देना होगा जिसका जिसके बारे में बहुत से लोग मानते हैं कि उसने सैयद अहमद के विचारों को सैयद अहमद खान के विचारों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अठारह में कांग्रेस का गठन हुआ और उसके बाद सैयद अहमद खान के विचारों में बदलाव आया वे आरंभ से ही कांग्रेस को संदेह की निगाहों से देखते थे उनका यह मानना था कि यह संगठन विभिन्न समुदायों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ाएगा और भारतीय लोगों को अंग्रेजों से दूर करेगा कांग्रेस की गतिविधियों ने हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में उनके विचारों को काफी गहरे स्तर तक प्रभावित किया मार्च 1888 में मेरठ में उन्होंने मुस्लिमों के बीच एक संबोधन दिया जिसमें उनके ये विचार खुलकर सामने आ गए रामचंद्र गुहा ने उनके लेखन और संबोधन को संकलित करने वाले संपादक मोहम्मद को उद्धृत करते हुए एक महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है यानी कि जो मोहम्मद है उनका ये कहना है कि सैयद अहमद खान के विचारों में बदलाव का कारण कांग्रेस का उदय और प्रांतीय प्रतियोगिता दोनों ही थी कांग्रेस की उदय से जो बात सैयद अहमद खान को खतरनाक लगी वह यह थी कि पहली बात तो उन्होंने उन्हें यह लगा कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है और हिंदुओं के संगठन या संस्था के रूप में वह मुसलमानों के ऊपर हावी होने का प्रयास करेगी या उसकी कुछ गतिविधियों ने उनकी इस धारणा को पुख्ता किया कि कांग्रेस ऐसा ही कर रही है वो अंग्रेजों पर दबाव डालेगी और अंग्रेजों पर दबाव डालकर हिंदुओं के पक्ष में बहुत सारी चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगी और मुसलमान इससे लगातार हाशिया होते जाएंगे लेकिन दूसरी जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि सैयद अहमद खान खुद दिल्ली के रहने वाले थे और उन्हें यह लगा कि ये जो कांग्रेस का गठन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका गठन अठारह में हुआ उसमें जो लोग सक्रिय थे वो अंग्रेजीदा लोग थे लेकिन सैयद अहमद खान को लगा कि अधिकांश लोग बंगाली लोग हैं तो वो बार बार कांग्रेस को बंगाली हिंदुओं के षड्यंत्र के रूप में भी प्रस्तुत करने लगे और उन्होंने बार बार लोगों से यह आह्वान किया कि वो कांग्रेस से दूर रहें और मुसलमानों से उनका आह्वान इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और हिंदुओं से जो कि संयुक्त प्रांत के थे उनसे उन्होंने यह आह्वान किया क्योंकि उनका यह मानना था कि यह जो कांग्रेस है वो कुछ बंगाली हिंदुओं का षडयंत्र है और बंगाली हिंदू जो हैं वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं तो इस संदर्भ में 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 उन्होंने उन्होंने बहुत सी रोचक बातें मेरठ मेरठ के अपने संबोधन में उन्होंने बार बार कांग्रेस को बंगालियों के संगठन के रूप में उदृत भी किया यहां भी उन्होंने मुस्लिमों को मेरे राष्ट्र या माय नेशन कहकर संबोधित किया साथ ही वे बंगालियों की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने उनके राष्ट्र में दखलंदाजी की यानी कि मुस्लिमों के मामले में दखलंदाजी की उन्होंने संयुक्त प्रांत के हिंदुओं को भी कांग्रेस से ना जुड़ने की सलाह दी उन्होंने यह कहा कि कम से कम कुछ हिंदुओं को यह लगता है कि वे कांग्रेस में शामिल होकर और इसे मजबूत बनाकर मुसलमानों का दमन कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं सैयद अहमद ने कहा कि हिंदू अपने धार्मिक परंपराओं का सही तरीके से पालन तभी कर सकते हैं जब वे मुस्लिमों के साथ दोस्ती और सहमति के वातावरण में रहें बल प्रयोग से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा ऐसा करने से सिर्फ दोनों समुदायों में तनाव और शत्रुता बढ़ेगी हमें यह ध्यान देने की जरूरत है जो सैयद अहमद खान के संबोधन का यह हिस्सा है उससे यह पता चलता है कि सैयद अहमद खान एक तरीके के असुरक्षा बोध को लेकर भी आ, उनके दिल में एक असुरक्षा बोध थी उसे वो ग्रस्त थे कि जो कांग्रेस है उसने कुछ हिंदुओं का मन बढ़ा दिया है और उन्हें लगता है कि मुसलमानों का दमन कर सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है इसीलिए एक तरीके से वो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हिंदुओं को यह समझना होगा कि वे अपनी परंपराओं का अपनी संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न बातों का तभी पालन कर सकते हैं जब वो मुस्लिमों के साथ मित्रता की स्थिति में रहें और आगे उन्होंने यह कहा कि बंगाल के मुसलमान बंगाली हिंदुओं के प्रयासों के साथ नहीं हैं। संयुक्त प्रांत हैं और वे कहते हैं कि इनके बीच में कटुता पैदा करने से देश में शांति को नुकसान होगा अपने संबोधन में उन्होंने मुस्लिम श्रोताओं को यह डर भी दिखाया कि यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं तो भारत में हिंदुओं का राज स्थापित हो जाएगा और एक तरीके से सीधे तौर पर हम सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं एक सरलीकरण करते हुए कि वे अंग्रेजों को मजबूती प्रदान कर रहे थे बल्कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि वो एक डर को अभिव्यक्त कर रहे थे जो एक मुस्लिम एक्टिविस्ट या एक मुस्लिम चिंतक के रूप में उनके मन में था उन्हें यह लगता था कि चूंकि हिंदुओं का बहुमत है या हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से काफी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से जब मुस्लिम आ, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बगैर रहेंगे तो यहाँ पर हिंदुओं का ही शासन हो जाएगा और मुसलमानों को हिंदुओं के शासन के अधीन रहना पड़ेगा उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इस स्थिति में मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा नहीं होती है तो मुसलमान भाई अपने अपने क्षेत्रों में खून की नदियां बहा देंगे अंग्रेजों के शासन को कायम रखने को हिंदुओं और मुसलमानों तथा भारत सबके हित में वो मानते हैं और वो यह बाकायदे उदाहरण देकर बताते हैं कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो यह भी मुमकिन है कि दूसरी विदेशी शक्तियां भारत पर कब्जा कर लेंगी और ये सभी देश जो हैं जिनका वो उदाहरण भी देते हैं फ्रेंच फ्रांस फ्रेंच लोगों का उदाहरण देते हैं पुर्तगाली लोगों का उदाहरण देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सभी लोग जो हैं वो अंग्रेजों से ज़्यादा बुरे साबित होंगे इसलिए भारत में शांति और सभी लोगों की प्रगति के लिए आवश्यक है कि भारत में आने वाले लंबे समय तक अंग्रेजी सरकार का ही शासन रहे निश्चित रूप से अगर हम सैयद अहमद खान राजनीतिक चिंतन की यात्रा को देखें तो उस चिंतन की यात्रा में एक उदारवादी राष्ट्रवादी से सांप्रदायिक विचारधारा की ओर जाने वाले चिंतक के रूप में उनकी जो यात्रा है उसमें अपने समुदाय को लेकर डर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसके साथ साथ उसमें जो कांग्रेस की गतिविधियां थी उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही हम यह कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान एक इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे कि उन्हें कांग्रेस की गतिविधियों को और ज्यादा नजदीक से देखने और उसे संवाद करने की जरूरत थी और शायद यही जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस के नेताओं पर भी थी लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उस समय तक कांग्रेस के भीतर सक्रिय जो बहुत सारे नेता थे वो जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे उससे भी सैयद अहमद खान को जो एक संदेह उनके मन में था उसको बढ़ोतरी मिली मिसाल के तौर पर बाल गंगाधर तिलक की राजनीति में उनकी कार्य में हिंदू पहचान की बहुत ज्यादा भूमिका होती थी तो इससे एक जो असुरक्षा बोध था वो सैयद अहमद खान का बढ़ा होगा ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं हालांकि निश्चित रूप से सैयद अहमद खान की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी थी और उनको और उस समय के अन्य राष्ट्र नेताओं को आपस में संवाद करके इस तरह की जो एक गलत फहमी एक, एक थे उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी मिसाल के तौर पर कांग्रेस को सिर्फ हिंदुओं का संगठन बता देना सर सैयद अहमद खान की गलती थी लेकिन इसके साथ ही साथ कांग्रेस को भी या कांग्रेस में उस सक्रिय उस समय के नेताओं को भी इस बात के बारे में जागरूक रहने की जरूरत थी और उन्हें सैयद अहमद खान जैसे नेताओं से संवाद करना चाहिए था यह बताने के लिए कि किस तरीके से जो कांग्रेस की नीतियां हैं या जो कांग्रेस के गठन का उद्देश्य है वह मुस्लिमों को हास्यकृत करना नहीं है बल्कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना है तो हमें बस यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सीधे तौर पर सर सैयद अहमद खान को सांप्रदायिक विचारधारा को पोषित करने वाला नेता मानने के बजाय हमें उन कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए जिसने उन्हें इस दिशा में बढ़ाया और निश्चित रूप से अपने विचारों की जो जिम्मेदारी है वो तो सैयद अहमद खान की ही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक उदारवादी राष्ट्रवादी से पूरी तरीके से वो एक सांप्रदायिक विचारधारा की ओर आगे बढ़ गए थे जहां पर वो मुसलमानों के द्वारा खून की नदियां बहाने तक की बातें भी करने लगे थे इसीलिए बहुत सारे विद्वान जो हैं वो सैयद अहमद खान के विचारों को काफी आलोचनात्मक नजरिए से देखते हैं हेक्टर बोलीमिथ ने लिखा है कि सर सैयद उन सब बातों के जनक थे जो कि अंततः मोहम्मद अली जिन्ना के मानस में उत्पन्न हुई और ये बातें बाद में मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में में और उसके बाद 20 के दशक उससे ज्यादा गंभीर रूप में 30 के दशक में जो एक विचार सर सैयद के मानस में था कि हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं वो एक समय था कि वो साथ रह सकते हैं बाद में इस पे उनका भरोसा कम हुआ तो ये बात जो है वो पढ़े लिखे मुस्लिमों के दिमाग में और ज्यादा गहरे रूप से आती गई तो इसीलिए हेक्टर हैक्टर जैसे जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि असल में आ, हम जिन्ना के पूर्ववर्ती चिंतक के रूप में अः सर सैयद को देख सकते हैं परंतु डॉक्टर शान मोहम्मद हेक्टर बोलीमथ के इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में इस विचारधारा का खंडन इन शब्दों में किया है उन्हें उन्होंने लिखा है और मैं उद्धृत कर रहा हूँ यह सही है कि वह हिंदू बहुसंख्यक समाज के प्रभुत्व से भयभीत थे तथा मुस्लिम समाज के पृथक राजनीतिक अस्तित्व की कल्पना करते थे परंतु पाकिस्तान का स्वप्न सैयद अहमद के विचारों में नहीं जिन्ना के विचारों में मुखरित हुआ था तो जो ये तर्क है इसमें मुख्य बात यही आती है कि जो चीज सैयद अहमद खान के दिमाग में आई नहीं उसका उसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं थोपी जा सकती है हम उन्हें उन बातों के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं जो उनके मस्तिष्क में आई थी यानी कि एक गहरे स्तर का असुरक्षा बोध हिंदुओं के बढ़ते प्रभुत्व के कारण और एक गहरे स्तर का असुरक्षा बोध कांग्रेस जैसे, जैसे संगठन के गठित होने के कारण तो ये असुरक्षा बोध में उन्होंने अपने विचारों को एक सांप्रदायिक रंग में प्रस्तुत किया और इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है लेकिन उन्होंने कभी भी पाकिस्तान जैसे देश की परिकल्पना नहीं की तो ये एक बात है और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत स्पष्टता से आपके सामने यह बात रख पाया हूँ कि कैसे सर सैयद जो हैं वो एक उदार राष्ट्रवादी से एक सांप्रदायिक विचारक के वाहक चिंतक और नेता के रूप में बदल जाते हैं लोकप्रिय सरकार के प्रति भी उनकी अनास्था थी सर सैयद अहमद खान की राजनीतिक प्रस्तुतियों पर आधारित अवसरवादी राजनीति थी क्योंकि उनकी मुख्य चिंता आ, यह थी कि कैसे मुस्लिमों के हितों को सुरक्षित रखा जाए तो वो अवसरों के हिसाब से अपने विचारों को बदलते भी रहते थे विरोध किया वे संवैधानिक साधनों में अपना विश्वास भी बताते थे और भारत के लिए प्रतिनिधि शासन को अनुपयुक्त भी बताते थे सर सैयद अहमद कहते थे कि जब तक भारत में विभिन्न जातियों का मतभेद रहता है तब तक प्रतिनिधि शासन का अर्थ होगा बहुमत का अल्पमतों पर अत्याचार इससे जाति तथा सांप्रदायिक विभेद और तीव्र हो जाएगा इससे लोकप्रिय या सरकार या पॉपुलर गवर्नमेंट के बारे में इनकी जो अनास्था है वह साफ तौर पर प्रकट होती है हम यह कह सकते हैं कि जो एक भय उनके मन में था बहुमत को लेकर खास पर हिंदू बहुमत के हिंदू बहुमत को लेकर वही भय उन्हें प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र से दूर भी कर रहा था उन्हें यह लगता था कि इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था जब होगी तो उसे ही जीत मिलेगी जिसके पास ज्यादा संख्या है और उस जीत का असर यह होगा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके उनको लगातार बहुसंख्यक लोगों के अत्याचार का सामना करना पड़ेगा तो इस कारण से भी वो पूरी की पूरी जो लोकतांत्रिक अधारणा या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का जो एक मॉडल था उसको वो संदेह से देखते हैं और यह भी हमें याद रखने की जरूरत है कि सर सैयद अहमद कोई अजूबी बात अजूबा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि लोकतंत्र के बहुत से आलोचक इस चीज को सामने रखते हैं और इसीलिए संवैधानिक अधिकारों के प्रावधान या कानून के शासन की प्रावधानों को लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए विचारों के रूप में आगे बढ़ाया गया है यानी कि हर नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिसे कोई भी सरकार हो उसका वो उल्लंघन नहीं कर सकती है और कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होगा ये हमारे संविधान में भी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी है तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि दस लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं और दस में से छह लोग जो चाहेंगे बाकी चार लोगों पे कर सकते हैं बल्कि उसका अर्थ यह होता है कि एक बाकायदा कानून का शासन है हर व्यक्ति के पास अधिकार है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार किसी भी नागरिक के साथ नहीं कर सकती है तो लोकतंत्र के इन जटिलताओं में जाने के बजाय बहुत ही सरलीकृत तरीके से लोकतंत्र और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को विशेष रूप से समझते हुए सर सैयद अहमद खान ने उसे संदेह की नजर से देखा सर सैयद अहमद खान के विचारों का अगर हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो हम यह कह सकते हैं कि वो उनके विचारों में सांप्रदायिकता साफ तौर पर दिखती है और वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में विभेद को पाटने की बजाय एक ऐसी धारा को बढ़ावा देते हैं जहां पर वो ये इस बात पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है कि मुसलमान ज्यादा मौजूद हो एक समय वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं लेकिन आखिर में जाकर वो एक तरीके से दोनों के साथ रहने पर भी संदेह पैदा उनके मन में हो जाता है और वो अंग्रेजी राज को कायम रखने का समर्थन करने लगते हैं स्त्री शिक्षा के लिए वो कोई नवीन प्रस्ताव नहीं दे पाते हैं बल्कि जो पुरातन पंथी शिक्षा पद्धति मुस्लिमों के बीच में थी उसको वो ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं स्त्री शिक्षा के संदर्भ में और जो पुरुषों की शिक्षा है उसमें जरूर वो आधुनिकता को लाने की कोशिश करते हैं दूसरी और आखिरी अंतिम बात यह भी आती है कि उनके चिंतन में एक तरीके से जो मुस्लिमों के बीच में उच्च तबके थे उनके हितों को ज्यादा बढ़ावा देने की बात सामने आती है बजाय इसके कि वो हर मुस्लिम के हितों को आगे बढ़ाने की बात करें बल्कि यहाँ तक उनके लेखन में आता है कि जिन्हें आजकल हम पसमानदा मुस्लिम के रूप में जानते हैं उन्हें वो थोड़े हे से हीन दृष्टि से हिकारत के साथ देखते हैं उनका उल्लेख उन उस रूप में करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि उनकी चिंता जो मुख्य रूप से थी वह जुड़ी हुई थी बहुत जो पढ़े लिखे जो मुस्लिम थे मतलब मुस्लिमों के भीतर जो उच्च वर्ग थे उनके बारे में तो ये भी उनकी एक सीमा के रूप में सामने आता है लेकिन अगर हम सर सैयद अहमद खान को एक पूर्णता में देखने की कोशिश करें तो मैं यह कहूँगा कि हमें उनके संदर्भ पर और उनकी चिंताओं पर भी ध्यान देना होगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो एक चिंतक के रूप में हम एक ज़्यादा संतुलित नज़रिए से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अब अठारह क्रांति के बाद मुस्लिम समाज को एक आधुनिक दिशा में ले जाने का प्रयास किया उन्होंने यह कोशिश की कि मुस्लिमों युवाओं के बीच में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिले और वो अपने धर्म और संस्कृति को भी जाने स्त्रियों के संदर्भ में वो कोई नवीन रूपरेखा प्रस्तुत नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने इस बात की कोशिश की कि धार्मिक रूपरेखा के भीतर भी सही लेकिन स्त्रियों को भी शिक्षा मिले और फिर उन्होंने अपने अलग अलग तरह के जो संस्थाएं बनाई उसके माध्यम से भी उन्होंने शिक्षा और नई चेतना के प्रयास किया जो उनकी परिणति हुई एक उदार राष्ट्रवादी से सांप्रदायिक विचारक के रूप में वह उसका उसकी बड़ी जिम्मेदारी खुद उनके द्वारा अलग अलग तरह के घटनाक्रमों को देखने पर जाती है लेकिन कुछ जिम्मेदारी परिस्थितियों पर और जो दूसरे कारक थे मिसाल के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस पर भी डाली जा सकती है लेकिन यह जरूर है कि जिस रूप में उन्होंने एक भय दिखाया एक अल्पसंख्यक समुदाय का भय वह जरूर एक बहुधार्मिक और बहुल समाज के भीतर लोकतंत्र की रूपरेखा कैसी हो उसके बारे में बहुत सारे लोगों को सचेत कर सकता है कि आखिर अल्पसंख्यक समुदायों के डर को कैसे समझे और किस तरीके से उससे संवाद करें तो कुल मिलाकर एक ऐसे चिंतक के रूप में वो जरूर आते हैं जिन्होंने मुस्लिमों को एक ज्यादा आधुनिक और नई ज्ञान से लेस समुदाय के रूप में ढालने की कोशिश की और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके विचारों की कई कई धाराएं रही रही और उसकी सीमाएं भी जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं मुझे उम्मीद है कि ये जो घंटे हम लोगों ने सर सैयद अहमद खान के बारे में चर्चा की उसके माध्यम से आप उनके जीवन उनके कार्यों और उनके विचारों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हासिल कर पाए होंगे मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आगे आप इनके लेखन इनके विचारों और इनके विचारों में होने वाले बदलावों और इनसे जुड़े वाद विवाद के बारे में और गहन अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो आज की इस पूरी चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ और अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे नमस्कार